महामारी के चलते भले ही देश भर में हजारों लोग अपनी जान क्यों न गंवा रहे हों, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से जो तस्वीर सामने आई है वो बेहद चौंकाने और डराने वाली है। दरअसल थाना मंझोला क्षेत्र के गगनवाली मेनठेर स्थित एक स्कूल परिसर में समाजवादी पार्टी के नवनियुक्त महानगर अध्यक्ष शानू अली के स्वागत समारोह में सैकड़ों सपा कार्यकर्ताओं की भीड़ कैमरे में कैद हुई है। वैसे तो वीकेंड लॉकडाउन कर्फ्यू के चलते मुरादाबाद पुलिस शहर के मुख्य चौराहों पर बिना मास्क और अन्य तरह के चालान काटने के ढींगे हाँकती रहती है, लेकिन संडे की शाम मंझोला पुलिस की नाक के नीचे इतना बड़ा आयोजन हो जाना अपने आप में कई सवाल छोड़ गया है। इस कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर सहित जिले के कई और भी सपा नेता की मौजूदगी थी। इस आयोजन में ना तो सपा कार्यकर्ताओं के मुंह पर मास्क थे और ना ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग का ही पालन किया जा रहा था। सैकड़ों लोगों की भीड़ एक दूसरे के ऊपर चढ़ी ही जा रही थी। ये कार्यक्रम स्थानीय नगर निगम पार्षद के स्कूल में आयोजित किया जा रहा था। वैसे तो कोविड गाइडलाइन के हिसाब से शादी में केवल 25 लोगों को ही शामिल होने की इजाजत है, लेकिन राजनीतिक दलों द्वारा इस तरह के आयोजन ने मुरादाबाद पुलिस की कार्य प्रणाली पर ही सवालिय निशान लगा दिया है। उससे मैं कहूँगा अनुशासन में रहें और वोटर लिस्ट पर मेहनत करें, बूथ एजेंट बनाने पर मेहनत करें। नारे तो लगते ही रहेंगे, इस वक्त जो है जमीन पर काम करने का वक्त है, मेन काम है वोटर लिस्ट पर काम करने का। यहाँ के पार्षद और क्षेत्रवासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे, समाजवादी की सीटें यहाँ पर? मैं यहाँ के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के पार्षद को जिताया, और आगे के लिए गुजारिश करना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी को ही आगे वोट दें। वो तो अभी जब उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन रिकॉर्डिंग की उनकी आवाज़ है भी नहीं है। नहीं, वो आवाज़ बिल्कुल सांसद जी की है, आप कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल ही तो है उनकी। चिन्मयन की सालों के आगे रिकॉर्डिंग की आवाज़ चली, जब जाके उनके FIR। अरे, भाजपा उस सदस्य को 30 लाख में खरीद रही है और सपा उसको 20 लाख में खरीद रही है। भाजपा तो 30 लाख में क्या, 1 करोड़ में भी खरीद लेगी। कर्नाटक में खरीदा, हरियाणा में खरीदा, हर जगह खरीद रही है भाजपा तो। देखिए, आजम खान साहब हमारी पार्टी के सीनियर नेता हैं और इस पूरे हिंदुस्तान का एक एक उनको चाहने वाले की दुआ है कि अल्लाह भगवान उनको जल्दी से सेहत आपदा करे, और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनके साथ जुल्म, ज़ाती और अन्याय कर उनको जेल के अंदर डाला हुआ है, उनके साथ जल्द से जल्द इंसाफ हो और वो रिहा होकर हम लोगों के बीच में आकर हमारी नुमाइंदगी करें। जहाँ तक सवाल है 2022 का, तो भारतीय जनता पार्टी अपने हर मोर्चे के ऊपर विफल हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि हम नौजवानों को रोज़गार देंगे, उन्होंने कहा था कि हम 14 दिन के अंदर किसानों का पेमेंट देने का काम करेंगे, उन्होंने कहा था कि हर मंडल के अंदर विश्वविद्यालय बनाने का काम करेंगे, उन्होंने कहा था कि हम गरीबों को घर देने का काम करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस मुरादाबाद के अंदर क्या भारतीय जनता पार्टी ने कोई विश्वविद्यालय बनाया? क्या इस मुरादाबाद मंडल के अंदर नौजवानों को नौकरियाँ दी? अभी एक कोरोना काल के अंदर लाखों लोग बेचारे ऐसे थे जो लोग अंतिम संस्कार के लिए जिन्हें लकड़ियाँ तक नसीब नहीं हुई, हज़ारों मुसलमान ऐसे थे जिन्हें तख्ते और पुश्तीवान नसीब नहीं हुए। 1446 किलोमीटर की गंगा के किनारे जहाँ पर लोग अपने लोगों का अंतिम संस्कार करते हैं, वहाँ कुत्ते और बहुत सारे जानवर अपने अजीज़ों की लाशें जो छोड़ गए थे उनको नोचते हुए ऐसे दृश्य सामने आए कि लोग आज तक अपने दिलों के ऊपर लिखे हुए हैं। मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फेल हुई, और 2022 के अंदर हम लोग अखिलेश यादव जी ने जो काम किए थे 2012 से 2017 तक, 18 लाख नौजवानों को लैपटॉप देने का काम किया, 65 लाख लोग माँ बहनों को जो है समाजवादी पेंशन देने का काम किया, हम लोगों ने एक्सप्रेसवे बनाने का काम किया, मेट्रो चलाने का काम किया, गरीब किसानों को किसान बीमा योजना देने का काम किया, काम धेनु योजना देने का काम किया, लोहिया आवाज देने का काम किया, उन चीज़ों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार और नौजवान लोगों अखिलेश जी को एक बार फिर मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। 2017 में चुनाव लड़ा गया था कि काम बोलता है, यानी कि विकास बोलता है, फिर भी चुनाव हार गए, इस बार क्या मुद्दा है आपके पास, क्या रणनीति है? देखिए, ऐसा है, हम लोग जो अखिलेश जी ने काम किए थे वो जनता के बीच में उन लोगों के हम उनके कामों को पहुंचा नहीं पाए। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी अपने झूठ, अपने पाखंड और प्रोपेगेंडे के अंदर कामयाब हो गई। जिस तरह से उन्होंने कहा
कि लैपटॉप सिर्फ एक जाति एक बिरादरी के लोगों को दिए गए, जबकि 18 लाख लैपटॉप हर जात बिरादरी के लोगों को दिए गए थे। सब कहा गया कि 65 लाख पेंशन समाजवादी पार्टी के लोगों को दे दी गई, जबकि हर जात बिरादरी की गरीब माँ बहन को दिया गया। जिस तरह से जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पर, बिरादरी के नाम पर लोगों को गुमराह किया गया, लोग गुमराह हो गए। और आज वही सारे के सारे लोग जो अखिलेश यादव जी ने काम किए थे, उन कामों को लेकर अखिलेश जी को याद कर रहे हैं। और आपने देखा आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल चुकी है और निश्चित तौर पर उनका इस उत्तर प्रदेश से जाना तय है। अरे 2022 में समाजवादी अकेले ही चुनाव लड़ेगी या गठबंधन से लड़ेगी? देखिए, ये राष्ट्रीय स्तर का मामला है। जो भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी निर्णय लेंगे, हम एक कार्यकर्ता हैं और समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अखिलेश यादव जी का जो भी निर्णय होगा या जो भी वो निर्णय लेकर चुनाव लड़ेंगे, हम एक ही कार्यकर्ता उसी पे काम कर उन्हें पुनः मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। मंत्री जी, एक आखिरी सवाल आपसे कि मुरादाबाद सांसद डॉक्टर एस के हसन का एक ऑडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसमें वो जिला पंचायत के सदस्यों को 20 लाख में खरीदने की बात कर रहे हैं, संबंध में क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, आप सब लोग जानते हैं फिल्मी दुनिया के अंदर और दूसरी जगह बहुत सारी मिमिक्री करने वाले लोग हैं। कई लोग आपको जो है मुलायम सिंह जी की आवाज़ निकालते हुए मिल जाएंगे, कई लोग मोदी जी की आवाज़ निकालते हुए मिल जाएंगे। हो सकता है एस टी हसन साहब की किसी ने आवाज़ की मिमिक्री की हो और हम लोगों को बदनाम करने का काम किया होगा। आज तो पैसे देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, आज लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे लिखवाने का काम भारतीय जनता पार्टी की लोग कर रही है, डराने धमकाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो हम क्यों करेंगे भाई? सर 2017 से जांच हो, जांच पे जो उस पर कार्रवाई हो। सर 2017 से यूपी के अंदर भाजपा सरकार ने एक भय बना रखा था, भय के बीच में विपक्ष ने क्या किया अभी तक? देखिए, अकेली समाजवादी पार्टी है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उत्तर प्रदेश के अंदर कोई जन विरोधी मामला हो, चाहे गन्ने के पेमेंट का मामला हो, जब डीजल के रेट बढ़ाए वो मामला हो, या नौजवानों के बेरोजगार का मामला हो, किसान के गेहूं आलू का मामला हो, डीजल की बढ़ी कीमतों का मामला हो, या किसान आंदोलन का मामला हो, अकेली समाजवादी पार्टी लड़ी है। और जनता देख रही है कि इस उत्तर प्रदेश के अंदर अकेली भारतीय जनता पार्टी की जुल्म, जाति और अन्याय के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं, हमारे अलावा कोई नहीं लड़ रहा है। इसलिए जनता का विश्वास समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी पे है। सर, एक आखिरी सवाल, मुरादाबाद के पूर्व मेयर हुमायूं कदीर साहब इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं, इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हुमायूं कदीर साहब इस मुरादाबाद की शान थे और समाजवादी पार्टी के लिए उन्होंने बहुत बड़ा योगदान समाजवादी पार्टी को बढ़ाने में था। वो फाउंडर मेंबर में से थे और हम सब लोग दुआ करते हैं कि अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए और जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए और उनके घर वालों को वो दुख सहने की, तकलीफ़ सहने की वो दे। और जिस तरह से उन्होंने समाजवादी पार्टी को बढ़ाया और जो सपना देखा